हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वैलरी निमा। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही फेमस रेसिपी। ये साउथ की बहुत ही फेमस है, बनाते हैं दाल वड़े। ये बल्कि साउथ में ही नहीं बट मुंबई में भी बहुत ही फेमस है। इसे हरी चटनी के साथ खाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम बनाते हैं चटपटी हरी चटनी आम की, कच्चे आम के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि जो भी मैं रेसिपीज़ बनाऊँ आप तक पहले पहुँचे। और हर एक रेसिपी के पीछे एक कमेंट ज़रूर डालिए। आपको भले ही रेसिपी पसंद आई है या नहीं है, आपका कमेंट बहुत ही महत्व है। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने करीब एक कप चना डाल ली थी और इसे करीब 4 घंटे भिगोया था। ये इस तरह से भीग के हो चुकी है। एक कप डालेंगे तो हमें 2 कप ऑलमोस्ट हो जाते हैं, यानी डबल हो जाती है। इसी तरह मैंने उड़द दाल भिगाई थी करीब 1 कप, और इसी तरह ये भी मैंने 3 से 4 घंटे भिगाया था तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आधा आधा कप ले सकते हैं। ये 1 कप चना दाल है तो ये 1 कप उड़द दाल है। ये भिगाने के बाद इस तरह से है। अब ये दोनों सामग्री को मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी। मुझे इसे बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखना है। और उसी के साथ मैंने करीब 1 टेबलस्पून उड़द दाल और 2 टेबलस्पून चना दाल साइड में रखी है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे ग्राइंड किया है और ये इस तरह से लगना चाहिए। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला इसमें। अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कीजिए, क्योंकि जितना पानी डालेंगे ना तो उतना ही मतलब आपको फिर चावल का आटा है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसलिए पानी कम डालिए, अवॉइड कीजिए ज़्यादा करके पानी ना डालें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम डालते हैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आपके घर के जो चावल रहते हैं इसे मिक्सी ग्राइंडर में बारीक पीस के और इसे छान के आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम डालते हैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा। हम ऐड करेंगे इसमें चॉप किए हुए करी लीव्स। करी लीव्स बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और ज़ीरे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च। 1.5 इंच अदरक लिया है मैंने, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसी के साथ हरा धनिया लिया है, फ्रेश हरा धनिया है चॉप किया हुआ है। इस सारे सामग्री को हम इसी में ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। उसके बाद हम डालते हैं 1 टीस्पून हल्दी। हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल और उड़द दाल जो हमने साइड में रखी थी। इसे डालने से बहुत ही अच्छा क्रंच आ जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा खाते वक्त। चलिए हम ये भी डाल देते हैं। मैंने करीब 1 टीस्पून उड़द दाल रखी थी और 2 टेबलस्पून चना दाल। तो चलिए हम इसे भी ऐड करके अभी मिक्स कर देते हैं। ध्यान दीजिए हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि चना दाल और उड़द दाल का मिक्सचर जो है ऑलरेडी गीला ही है तो हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमें इसी तरह सारे मसालों को एक साथ मिलाना है। अभी हम इसे मिला के साइड में रखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया है, और तेल को ज़्यादा गरम ना करें, मीडियम पे ही रखिए, एकदम हाई फ्लेम पे ना रखिए। थोड़ा सा तेल लीजिए, अपने हाथों की हथेली पर लगाइए। आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तो छोटा सा लेमन साइज बॉल लिया है, इसे हाथों से फ्लैट कर देती हूँ इस तरह से। ज़्यादा मोटा मत रखिए वरना फ्राई करने के लिए ज़्यादा देर लग सकती है। ये वड़े जितने क्रंची हो उतने अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसे ऑयल में डाल रही हूँ। देखिए तेल की टेम्परेचर जो है, तेल का टेम्परेचर मीडियम ही है। मैंने पहले फास्ट किया था उसके बाद मीडियम किया था। इसी प्रोसेस में हम सारे वड़े तलेंगे।
इसी तरह हम इन बिटवीन स्टर करते रहेंगे और फ्लिप कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए ताकि चारों तरफ हमारे वड़े जो है अच्छे से फ्राई हो जाएं। और देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, इसे और पकाना है। इसे और करीब 5 से 6 मिनट लग सकते हैं क्योंकि मीडियम फ्लेम पे और अंदर तक पकना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से बहुत ही क्रंची हो जाते हैं। इट खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए इसी प्रोसेस में हम सारे वड़े तलते हैं। जब तक हमारे वड़े फ्राई हो रहे हैं, तल रहे हैं, को भी थोड़ा देर लगती है, तो तब तक हम बनाते हैं इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी। अच्छी कैरी डालते हैं आज, इसमें हम इमली नहीं डालेंगे, मौसम गर्मियों का है, आम का है। तो चलिए कच्ची कैरी का चटनी बना देते हैं, कच्ची कैरी की चटनी। इसके लिए मैं लेती हूँ एक मिक्सी जार, उसमें मैं डालती हूँ 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ, साथ में डालती हूँ 1 टीस्पून नमक। इसे साफ़ करके टुकड़ों में काट के मैं इसे भी ऐड करती हूँ। नेक्स्ट में थोड़े से मसाले हैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च डाली अपने स्पाइसी जितना आपको चाहिए उतना अपने तीखेपन के हिसाब से, 1/2 इंच अदरक डाली वो चॉप करके, और ये बहुत सारा हरा धनिया डाला है। ये सारे मसालों को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और इसी के साथ में थोड़ा सा बर्फ ऐड कर रही हूँ। बर्फ ऐड करने से जो चटनी का कलर है वो बना रहता है। तो जब मिक्सी जार चलता है मोटर गर्म होती है और हमारे मसाले कई दफा जल जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बर्फ डालती हूँ ताकि जो हरापन है चटनी का वो बना रहे। तो चटनी पीस के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ग्रीन कलर आ चुका है, ये कितनी टेस्टी और यम्मी लगती है। तो इसी के साथ हमारे दाल वड़े बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसे सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मेरी अगली रेसिपी का वेट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, बाय।